नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले 6 सीरीज हो चुकी थी, यह 7वीं सीरीज है, करंट अफेयर की 7वीं सीरीज है। और परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं। और अगले 6 महीने तक जितनी भी परीक्षाएं होंगी, हर परीक्षा के दृष्टि से यह प्रश्न बहुत ही सार्वित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो परीक्षा कोई भी हो, आप इसे अच्छे तरह से देख लें। इतना अच्छा बेहतरीन सामग्री कोई नहीं देगा, आप इसे अच्छे तरह से देख लें। अगर परीक्षा में अच्छा नंबर स्कोर करना है करंट अफेयर में, तो करंट अफेयर की 100% तैयारी आप लोग को मैं करा रहा हूँ। तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। प्लीज़ दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ज़्यादा लोग देख नहीं पा रहे हैं, जिससे हमारा मनोबल डाउन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रश्नों पे आते हैं। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के किस कमांडर को भारत को सौंप दिया? तो देखिए, 11 फरवरी को ये पुलवामा वाला अटैक हुआ था, उसके बाद भारत की सरकार ने तमाम एक्शन लिए। उसके बाद ये जिसमें एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के तहत विंग कमांडर अभिनंदन वहीं पे रह गए, बाद में पाकिस्तान को उसे छोड़ना पड़ा। तो यही है, 1 मार्च को उनको छोड़ा, वहाँ से रिलीज किया गया। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के किस विंग कमांडर को भारत को सौंप दिया? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान। 1 मार्च 2019 को किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया? भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया किस मंत्रालय द्वारा? भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश जारी किया गया केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, जारी किया गया केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। 1 मार्च 2019 को IRCTC ने किस नाम से अपना डिजिटल पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है? तो IRCTC IPay के नाम से लॉन्च किया है, IRCTC IPay। 1 मार्च 2019 को जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत को किस कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में भारत को जो स्थान मिला है, वह स्थान मिला है 47वें पायदान पर है इंडिया, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 47वें पायदान पर। 1 मार्च 2019 को जारी दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में एकमात्र एशियाई कौन है? 1 मार्च 2019 को जारी दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल एकमात्र एशियाई कौन है? तो मुकेश अंबानी 8वें स्थान पे हैं, जो एकमात्र एशियाई हैं। 1 से 2 मार्च 2019 को अबू धाबी में आयोजित इस्लामी सहयोग संगठन के पूर्ण सत्र में पहली बार विशिष्ट अतिथि के रूप में कौन शामिल हुआ? तो भारत। देखिए, जो इस्लामिक जो देश है, उनका संगठन है IOC, तो उसमें पहली बार विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत शामिल हुआ, और यह 1 से 2 मार्च अबू धाबी में हुआ था आयोजन। 1 से 2 मार्च के बीच अबू धाबी में यह आयोजन हुआ था, जिसमें सुषमा स्वराज विशिष्ट अतिथि बनकर वहाँ पर अबू धाबी में गई थी। दो मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? 2 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं, वही क्रिकेटर हैं जो अभी हाल ही में संन्यास ले लिए हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड प्राप्त किया है। 2 मार्च 2019 को वियतनाम में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? मतलब भारत ने वियतनाम में अपना नया राजदूत किसे बनाया है? तो प्रणय कुमार वर्मा जी को वियतनाम में भारत का राजदूत बनाया गया है। प्रणय कुमार वर्मा, इसको याद करना है तो आप समझ सकते हैं, वियतनाम और बर्मा दोनों लिखा हुआ है, साफ साफ आप उस तरह से समझ सकते हैं। तो प्रणय कुमार वर्मा को वियतनाम में भारत का राजदूत बनाया गया है। 2 से 15 मार्च 2019 के मध्य किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 2019 संचालित किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच यह सैन्य अभ्यास जो होता है, उसको संप्रति बोलते हैं, और मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है, और संप्रति जो सैन्य अभ्यास होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। 2 मार्च 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हसमुख अधिया जी को बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंकों का विलय हुआ है, जिनका नाम है देना बैंक, विजया बैंक, इन दोनों बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ है।
3 मार्च 2019 को उड़ीसा का पहला लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? उड़ीसा का पहला लोकायुक्त किसे बनाया गया है? तो उड़ीसा का जो पहला लोकायुक्त बनाया गया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजीत सिंह। देखिए गुवाहाटी मतलब कि ऐसे यही समझ लीजिए, उड़ीसा का जो पहला लोकायुक्त बनाया गया है अजीत सिंह को बनाया गया है, अजीत सिंह को। और यह अजीत सिंह जो हैं ये गुवाहाटी में, असम की राजधानी गुवाहाटी में, वहाँ जो उच्च न्यायालय है उसके पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो उड़ीसा के लोकायुक्त बने हैं अजीत सिंह, और उ दोनों ही स्वर है, तो ऐसे आप समझ लीजिए। जो न समझ में आता है उसका ट्रिक मन ही मन बना लेते हैं ताकि दिमाग पर लोड ना जाए, अच्छी तरह से याद हो सके। तीन मार्च 2019 को दुबई टेनिस चैंपियन जीतकर 100वां सिंगल्स खिताब जीतने वाले दूसरा खिलाड़ी कौन बने हैं? दुबई टेनिस चैंपियन जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? रोजर फेडरर ने दुबई टेनिस चैंपियन जीता है। और रोजर फेडरर जो हैं स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं, स्विट्ज़रलैंड के टेनिस खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, और इन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप जीता है, और 100वां सिंगल्स खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं ये। 3 मार्च 2019 को किसी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपको पता ही है कि क्रिस गेल ने हाल ही में संन्यास ले लिया है, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने 500 छक्के लगाने का रिकॉर्ड किया है जो सर्वोच्चतम है। और यही बोल रहा है कि किसी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं, तो इनका जो सबसे सर्वाधिक छक्का है 39 छक्का है इंग्लैंड के खिलाफ। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 39 छक्का लगाया था, इंग्लैंड के खिलाफ 39 छक्का, और सबसे उनका जो स्कोर है छक्के का ये 500 छक्के लगा चुके हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं ये। 3 मार्च 2019 को कौन सा देश आई ई ए बायो एनर्जी नामक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का 25वां सदस्य बना है? हमारा देश भारत आई ई ए बायो एनर्जी नामक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन का 25वां सदस्य बना है हमारा इंडिया। 3 मार्च 2019 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? भगवान लाल साहनी जी को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया गया है। 3 मार्च 2019 को किस विषय के साथ पूरे विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? 21 मार्च, देखिए 3 मार्च 2019 को किस विषय के साथ पूरे विश्व में विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया, तो उसकी जो थीम थी वह क्या थी? विश्व वन्य जीव दिवस की जो थीम थी वह क्या थी? लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम थी, लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लेनेट, विश्व वन्यजीव दिवस की यही थीम थी। 4 मार्च 2019 को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने 2019 के मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? देखिए 4 मार्च 2019 को अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स ने 2019 के अंतर्गत मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यह जो संस्था है बहुत लंबी है, लंबा नाम है इसका, अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स, ये संस्था है अमेरिका का, इसने मिसाइल सिस्टम अवार्ड देता है हमेशा, यह इसके द्वारा दिया जाता है मिसाइल सिस्टम अवार्ड। तो मिसाइल सिस्टम अवार्ड इसने किसे दिया है? तो इसने मिसाइल सिस्टम जो अवार्ड दिया है DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को, DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला है, जो अवार्ड मिला है अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड DRDO के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी को मिला है। 4 मार्च 2019 को रूस आधिकारिक रूप से किस देश के साथ परमाणु शक्ति संधि से अलग होने का फैसला किया? अमेरिका, मतलब अमेरिका और रूस के बीच परमाणु शक्ति समझौता हुआ था जिससे रूस अलग हो गया। 5 मार्च 2019 को अमेरिका ने किस देश के साथ जीडीपी सामान्य वरीयता प्रणाली खत्म करने का फैसला किया है? तो सामान्य वरीयता प्रणाली खत्म करने का फैसला किया है अमेरिका ने भारत के साथ। 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कहाँ में प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानवधन योजना नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है गुजरात की राजधानी गांधीनगर से प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ मोदी जी ने किया है। 5 मार्च 2019 को भारत ने किस राज्य में बोल्ड क्विट लागू किया है? एक सीमा सुरक्षा संगठन लागू किया है असम से। बोल्ड क्विट या क्या होता है? सीमा सुरक्षा का काम करता है बोल्ड क्विट। एक सिस्टम है जो मतलब बांग्लादेश से सटा हुआ है, जो सीमा है इंडिया का और मतलब असम और बांग्लादेश का, वहाँ पर बोल्ड क्विट सुरक्षा प्रणाली लागू की गई है। 6 मार्च 2019 को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 के तहत सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? इंदौर को मिला है। ठीक है दोस्तों, ये सब सारे आपको सामग्री मिल गई है और परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सबको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ एक भी बाहर से नहीं आएगा, पूरा का पूरा निचोड़ मैं आप लोग को दे रहा हूँ। तो इसी थोड़ा सा भी इग्नोर मत करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, एक बार दो बार तीन बार पढ़िएगा, आवश्यकता पड़े तो नोट डाउन कर लीजिएगा और आप हमेशा के लिए तैयार रहेंगे आप हर परीक्षा के लिए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जो भी आपके पास माध्यम है उसे शेयर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, हम आप लोग को अच्छी से अच्छी सामग्री देने की प्रयास करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।